जय श्री राम दोस्तों, एसपीजी किचन में आज बना रही हूँ मैं दिल्ली के मार्केट वाला स्टाइल छोला भटूरा। दिल्ली का फेमस है ना छोला भटूरा, बिल्कुल वैसे बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लगभग 300 ग्राम के ये चना ली हूँ वाइट छोला। इसको मैं भिंगो के रखी हूँ बढ़िया से और धो के अब इसको मैं बॉयल करूँगी। इसके लिए मैं कुकर ली हूँ, कुकर में मैं छोला डाल दी हूँ। अब डालूँगी थोड़ा खड़ा मसाला, जिसके लिए मैं ली हूँ ये दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता। इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच के लगभग नमक, दो चुटकी ये मीठा सोडा और मैं डालूँगी दो बड़ी चम्मच के लगभग ये चाय पत्ती। एक पोटली में बांध लूँगी, कॉटन का कपड़ा है हमारा पतला सा, इसमें बांध के मैं इसमें डाल दूँगी और इसमें पानी डाल के इसको सेट करके मैं गैस पर रख दूँगी पकने के लिए। तो पकने लगा है, तब तक के लिए मैं भटूरा की तैयारी कर लेती हूँ। भटूरा के लिए मैं मैदा तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैं आधा किलो के लगभग ये मैदा ली हूँ, मैं छान के ली हूँ पहले। इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाली हूँ, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, एक चम्मच। और इसको ऐसे थोड़ा सा मिला के मैं पानी डाल दूँगी। जैसे आटा गूँथती हूँ बस फ़िलहाल इसी तरह मैं गूँथ रही हूँ, मगर आटा से बहुत ज़्यादा इसको लूज गूँथना है, डो लूज बनाना है। देखिए इस तरह गूँथ गया है। अब मैं थोड़ा सा उसमें रिफाइंड ऑयल डालूँगी, ऊपर से जो चिपचिपचाप चिपचिपा है जैसे लूज डो है, इसके लिए मैं अब इसमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालूँगी। अब इस तरह से सेट करूँगी, देखिए कितना सॉफ्ट डो बन गया है हमारा। फिर इसमें मैं थोड़ा तेल लगा के इसको ढक के छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं छोला तैयार कर लेती हूँ। छोला देख लेती हूँ हमारा पक गया होगा, 4-5 सीटी लग गया है, खोल के देख लेती हूँ पक गया है बढ़िया से और सॉफ्ट भी हो गया है छूने से। तो अब इसमें जो खड़ा मसाला है, जो चाय पत्ती है, मैं इस सबको हटा लूँगी। अब मैं छोला को एक बर्तन में पलट लेती हूँ। इसी कुकर में मुझे छोला तैयार करना है, कुकर माज के मैं फिर से इसको गैस पर चढ़ा दी हूँ। मैं सरसों तेल डाली हूँ, सरसों तेल डाल के गर्म हो गया है तो मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ। इसमें मैं दो छोटी छोटी साइज से प्याज काट कर रखी हूँ, ये डाल देती हूँ। प्याज को मुझे बढ़िया से भूनना है, देखिए भून रहा है हमारा प्याज। बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने लगा है प्याज हमारा, तब मैं इसमें डाल दूँगी। मैं बारीक काट के टमाटर रखी हूँ, वो टमाटर मैं पीसी नहीं हूँ, टमाटर इसी साइज में बारीक बारीक साइज में काट के रख ली हूँ, मैं डाल देती हूँ। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, नमक मैं पहले भी छोला में डाल चुकी हूँ इसीलिए मैं कम ही डाल रही हूँ। अब इसके साथ मैं सूखा मसाला ऐड करूँगी। इसके लिए मैं एक चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर ली हूँ, बड़ी चम्मच, एक बड़ी चम्मच में धनिया पाउडर ली हूँ और एक छोटी चम्मच में इसमें हल्दी पाउडर दूँगी। हल्दी पाउडर मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, अब इसमें इस छोला भटूरा वाला छोला में हल्दी थोड़ा कम ही लूँगी, बढ़िया दिखता है। इसको थोड़ी देर इस तरह से पकाते हुए मैं इसको चलाते हुए ये भून गया, तब इसमें मैं छोला डाल दूँगी। इसके साथ में इसमें और पानी डालूँगी, भटूरा वाला छोला
थोड़ा लूजी रहता है। इसमें पानी गरम करके रखी हूँ, गरम पानी में डाल रही हूँ। अब मैं थोड़ी सी इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दोस्तों बहुत सुंदर खुशबू इसकी आ रही है। मैं इसको उबालने टाइम में जो खड़ा मसाला डाली हूँ, इसी से इसका खूब बढ़िया खुशबू भी आ गया और कलर भी आ गया। इसमें अब मुझे ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बंद करके इसको छोड़ देती हूँ, दो सीटी और लगा देती हूँ। वैसे तो ये पक ही चुका है बढ़िया से, देखिए पक गया है हमारा छोला। मैं इसको खोल के देख लेती हूँ, देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है मार्केट वाला। ये तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए ऐसे लग रहा है। इसको मैं थोड़ी सी और मिला दूँगी और थोड़ा ठंडा होगा तो ये बहुत बढ़िया से मिल जाएगा। इसमें पानी एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा। तब तक अब भटूरा मैं तैयार कर लेती हूँ। भटूरा के लिए मैं कढ़ाई में तेल गरम कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मेरा सॉफ्ट डो और तैयार हो गया है। सॉफ्ट तो था ही, थोड़ी देर छोड़ दी तो और सॉफ्ट हो गया है। ऐसे मैं मार्केट वाला जैसे लोई तैयार कर लूँगी। जितनी बड़ी रोटी बनाते हो आप उससे थोड़ी बड़ी ही लोई लो आप, तो बढ़िया भटूरा दिखेगा। दोस्तों मार्केट वाला तो ऐसे हाथ पर थोप के इसमें डाल देते हैं, मगर उतना तेल भी नहीं है। मेरे कढ़ाई तो घर की कढ़ाई है तो घर का तेल है कम ही है। मैं इस पर एक दो बेलन ऐसे चला लूँगी तो बस उसी तरह बन जाता है। देखिए बिल्कुल मार्केट वाला जैसे बन जाएगा, ऐसे उठा के मैं डाल दूँगी आराम से। और करछी से मैं ऐसे करके पलट दूँगी। अब फूला फूला भटूरा हमारा तैयार हो रहा है, आप देख सकते हो। कितना बढ़िया बड़ा बड़ा फूला फूला भटूरा तैयार हो गया। इसी तरह मैं दूसरे भी इसमें डाल दूँगी। देखिए दोस्तों आपको लग रहा होगा ना कि छोला भटूरा घर में कैसे बनाए, परफेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। आप देखिएगा इस तरह से ट्राई करके बिल्कुल मार्केट जैसे बन जाएगा। तो दो भटूरा तैयार हो गया है तो मैं प्लेटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा छोला डालूँगी। छोला डाल के मैं सलाद डाल देती हूँ एक साइड, भटूरा डाल देती हूँ। देखिए मार्केट वाला से बढ़िया टेस्ट आएगा और बढ़िया दिख भी रहा है। आपको लगे ना कि घर में हम नहीं बना पाएंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसा बना। और पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।